तो दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्रिप्स और माइट के सिम्टम्स में जो डिफरेंस होता है मिर्च के पौधों के ऊपर, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों आपको बेहद मदद करेगी इस चीज़ में कि आप सही दवा का सिलेक्शन करें कि आपको थ्रिप्स के अगेंस्ट कौन सी दवा यूज़ करनी है और माइट के अगेंस्ट कौन सी दवा यूज़ करनी है। क्योंकि दोस्तों अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि लोग सिम्टम्स को सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और कभी माइट के अगेंस्ट थ्रिप्स की दवा का यूज़ करते हैं और थ्रिप्स के अगेंस्ट माइट की दवा का यूज़ करते हैं, तो उनको सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रिप्स और माइट के सिम्टम्स में जो डिफरेंस होता है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी सही दवा का सिलेक्शन करने में। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर भी ये फोटो देख पा रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि आपकी जो पत्तियाँ हैं ये ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं और ये पीली पड़ गई यानी क्लोरोसिस होने के बाद इसमें पुरानी और नई पत्तियाँ ऊपर की तरफ मुड़ी हुई हैं। ये इस तरह से कप बनाए हुए हैं जो ऊपर की तरफ जिनका मुड़ाव है। तो दोस्तों अगर ये सिम्टम्स आपकी फसल पे या मिर्च के पौधों पर आपको दिखें, इसको दोस्तों मरोड़िया रोग भी कहते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये सिम्टम्स आपके थ्रिप्स की वजह से हैं और आपको इनके अगेंस्ट थ्रिप्स की जो दवा है जैसे कि आपकी इमीडाक्लोप्रिड जिस पर हमने अभी एक पीछे एक वीडियो बनाया था, आप इस पर इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये सिम्टम्स ना हो और आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दें कि आपकी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, आप यहां भी देख सकते हैं, इसके अलावा आपकी ये पत्तियां आपकी इस तरह से नीचे की तरफ अगर ये मुड़ी हुई हैं तो आप समझ जाइए कि आपके क्रॉप्स पे माइट का अटैक है। दोस्तों ये माइट कोई सा भी माइट हो सकता है, अलग अलग माइट्स के जो सिम्टम्स होंगे थोड़े से डिफरेंट होंगे, पर ओवरऑल उनका जो पत्तियों का मुड़ना होगा वो नीचे की तरफ ही होगा। ये आपकी ओल्डर लीव्स में जैसा कि यहाँ है और यंगर लीव्स जैसा कि यहाँ और यहाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से ये सिम्टम्स आपको दिखें तो आप समझ जाइए कि आपकी क्रॉप पे माइट्स का अटैक है। और माइट्स के लिए आप दोस्तों वैसे तो बायर की होब्रोन एक दवा है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दवा है, इसके अलावा धानुका की एक फोस्टर एक केमिकल है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये दवा भी आप यूज कर सकते हैं। पर इनके लिए जो स्पेसिफिक दवा है थ्रिप्स के लिए हमने पहले ही बात की थी कि आप इमीडाक्लोप्रिड यूज कर सकते हैं, पर माइट के लिए हम अलग से एक वीडियो में आपको जो पर्टिकुलर दवा है पर्टिकुलर माइट का अगेंस्ट वो बता देंगे। पर अभी के लिए दोस्तों हमने आपके साथ जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि जो डिफरेंस होता है आपके थ्रिप्स और माइट के सिम्टम्स में वो हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। और उम्मीद है दोस्तों अगर आपने सिम्टम्स को सही आइडेंटिफाई कर लिया कि अगर आपकी पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ी हैं तो अटैक माइट का है, और अगर आपकी पत्तियाँ इस तरह से ऊपर की तरफ अगर मुड़ी हुई हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी क्रॉप पे ये जो अटैक है ये थ्रिप्स का है। और आप अगर सही आइडेंटिफिकेशन करेंगे सिम्टम्स का तो उसके अगेंस्ट आप सही दवा का सिलेक्शन भी करेंगे और आपकी क्रॉप पर मैक्सिमम बेनिफिट आपको दवा का दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, और ऐसी ही और अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।